हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डीआरएक्स अरुण रशीद सैयद। दोस्तों, बहुत से मर्दों में पेनिस यानी कि लिंग से जुड़ी हुई एक कंडीशन आ जाती है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल पेनिस कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो पेनिस यानी कि लिंग होता है उसमें जो है बीच से कुछ इस तरीके से कर्व आ जाता है या फिर जो है वो बेंड हो जाता है, जिसे जो एक्चुअली पेरोनिस डिसीज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इससे जुड़ी हुई बहुत से लोगों में अलग अलग तरीके के मिथ्स फैले हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्यादा मैस्टरबेट करने की वजह से यानी कि हस्तमैथुन करने की वजह से ये कंडीशन आती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ये पता करेंगे कि सच में ये जो प्रॉब्लम है ये मैस्टरबेट करने की वजह से आती है, इसका एक्चुअल क्या रीजन है, और जिन लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ गई है जिनका जो पेनिस बीच से बेंड हो गया है, तो इसे हम घर पर ही किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर से हम लोग बात करें कि जो पेरोनिस डिसीज है, मतलब जो पेनिस में टेढ़ापन आया है, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो दोस्तों जब साइंटिफिकली रिसर्च की गई कि एक्चुअल में पेनिस में टेढ़ापन आता है क्यों आता है, तो इसमें जो रीजंस मिले, इसमें मेजर रीजन एक ये था कि अगर से आपके पेनिस में किसी वजह से कोई इंजरी आती है, जैसे कि अगर से आप एथलीट है, वर्कआउट वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, तो वेट आपके पेनिस के ऊपर गिरने की वजह से या फिर जो है पेनिस के सहारे आप गिरने की वजह से पेनिस में टिल्टनेस या फिर उसमें टेढ़ापन आ सकता है। इसी के साथ में कई स्टडीज में ये देखा गया कि ड्यूरिंग सेक्स जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिनका जो पेनिस के मसल्स है बहुत ज्यादा अगर से डेलिकेट है, नाजुक है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों, एक जो लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं कि ज्यादा मैस्टरबेट करने की वजह से ये कंडीशन आती है, तो जी हाँ दोस्तों, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा बहुत ज्यादा जो लोग मैस्टरबेट करते हैं, तो मैस्टरबेट करने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत ही फास्ट जो है पेनिस को हाथ के ही थ्रू हम जो है आगे पीछे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी पेनिस में बीच में से टेढ़ापन आ सकता है जिन लोगों के जो पेनिस है उसकी मसल डेलिकेट है। तो इस तरीके से दोस्तों तीन जो है मेजर यहाँ पर रीजन देखने को मिले। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से पेनिस में टिल्टनेस वगैरह नहीं आती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा दोस्तों, जो नॉर्मल पेनिस होता है, इसका जब ऑब्जर्वेशन किया गया, तो इसमें भी एक बात सामने आई कि जो एक्चुअल में जो पेनिस होता है तो एकदम भी स्ट्रेट नहीं होता है कुछ इस तरीके से। जैसे बहुत सारे लोगों के मानना है कि एकदम पेनिस स्ट्रेट होता है, तो ऐसा नहीं होता है, कि रूट की तरफ से थोड़ा सा राइट या फिर लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता ही है। तो जो रूट की तरफ से अगर से है, तो इसमें दोस्तों किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेनिस जो है वो नॉर्मल अगर से हल्का सा रूट की तरफ से थोड़ा सा टिल्ट है तो। लेकिन ये जो पेनिस अगर से कुछ इस तरीके से बेंड है, इसका मतलब आप लोग जो है पेरोनिस डिसीज का शिकार हो चुके हैं, आप लोगों के पेनिस के अंदर कर्व आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्स आगे जो है अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर से कंडीशन आ जाए तो हम इसे जो किस तरीके से घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब ये कंडीशन आती है, तो इसका जो एक तरीका है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, जो कि है पेनिस को मसाज करना। अब दोस्तों, पेनिस को मसाज करने की बात आती है तो किस चीज से करें, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है आयुर्वेदिक ऑयल या फिर आयुर्वेदिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले मेरा वीडियो बनाया था हैमर ऑफ थॉर के ऊपर, तो उसके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। तो हैमर ऑफ थॉर का एक्चुअल में जो ओरिजिनल क्रीम और जो ऑयल आता है दोस्तों, ये हमारे पेनिस के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, पेनिस में से टेढ़ापन दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव तेल और क्रीम है। तो आप लोग जो इसका इस्तेमाल कर सकते हो पेनिस को मसाज करने के लिए। लेकिन अगर से आप लोग चाहे तो इसके अलावा भी अदर इस्तेमाल कर सकते हो, जो तेल आप लोगों को सस्ता है फिर इजीली अवेलेबल हो जाए। लेकिन जो चीज ज्यादा रिजल्ट देती है, अगर से आप लोग उसको प्रेफर करेंगे, तो आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा और आप लोगों का जो है समय भी बचेगा और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर से आप लोग चाहे तो जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, इसके साथ में खोपरे का तेल या फिर सरसों का तेल, इस तरीके से ऑयल से भी आप लोग मसाज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर से आपके पेनिस के अंदर एक कंडीशन है, तो आपको किस तरीके से आपके पेनिस को मसाज करना है, लिंग को मसाज करना है, ताकि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो बेसिकली दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मसाज करने से ये समझ में आएगा कि भाई मसाज मतलब एक तरीके से तो भाई ये मास्टरबेट ही हो रहा है, तो लेकिन नहीं दोस्तों, जो पेनिस का मसाज होता है इसमें आपको क्या करना है, पेनिस जो है इसका जो रूट है, ये अगर से रूट है और अगर से ये हेड है कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, रूट से लेकर टूवर्ड्स हेड आपको जो है कुछ इस तरीके से मसाज करना है, कुछ इस डायरेक्शन में, आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है सामने के डायरेक्शन में करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को दिन में कम से कम एक मरतबा 5 मिनट के लिए रूट टू हेड मसाज करना है। तो इस तरीके से आप लोग जब दोस्तों डेली मसाज करेंगे, तो आपके जो पेनिस है, जो लिंग है, उसकी मसल्स जो है रिलैक्स होंगी, उसकी नसें रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से जिन लोगों को इरेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर से आपका पेनिस टेढ़ा नहीं है, उसके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इरेक्शन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, आपके मसल्स जो है जो नसें होती है, क्योंकि पेनिस भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, जिसके अंदर भी मसल्स होती है, तो मसल्स रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, आपके पेनिस में इरेक्शन काफी अच्छा आएगा, कड़क पना बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो ये जो है दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा मेडिकेशन भी होते हैं, डॉक्टर सर्जरी वगैरह करके भी ये करते हैं, लेकिन वो आगे की कंडीशन में होता है जब
अगर से ये प्रॉब्लम मसाज के थ्रू सॉल्व नहीं हो रही है तो, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखने में आया है कि मसाज से भी ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत हद तक सॉल्व होती है, बहुत आसानी मिलती है आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। इसके बाद में दोस्तों अगर से आज के वीडियो के हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली दोस्तों जो मार्केट में इतने सारे मिथ्स फैले हुए हैं पेनिस के टिल्टनेस से लेकर या फिर पेनिस में जो टेढ़ापन आते हैं उससे रिलेटेड के भाई सिर्फ मास्टरबेशन से प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ मास्टरबेट या फिर हस्तमैथुन से प्रॉब्लम नहीं आती है, ये एक डिसीज है जिसका नाम पेरोनेस डिसीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में दोस्तों मैंने ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, घर पर किस तरीके से इसे जो है आप लोगों को ठीक करना है वो भी आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सर्जरी के थ्रू जो है आगे बढ़ सकते हो, सर्जरी के थ्रू जो है आपके पेनिस का टिल्टनेस या फिर जो कर्वनेस आया है वो दूर कर सकते हो। सो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। तो और अगर से जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर से कर देना, और जो लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग यार चैनल पर आते हो वीडियो विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके लिए जय हिंद।